पे भी लोग रहते हैं किले के अंदर? और हम इस टाइम खड़े हैं फतेह प्रकाश म्यूज़ियम में। तो यहाँ की एंट्री टिकट है 20 रुपीज़ पर पर्सन। एंड हाँ, एक सजेशन है आप लोगों के लिए, अगर यहाँ पर आओ तो अपनी एंट्री टिकट जो है वो पहले से ही ऑनलाइन बुक होती है, वो करवा कर आना, क्योंकि यहाँ पर नेट का काफ़ी इशू आता है तो टाइम लग सकता है। तो चलिए, सेकेंडली यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, तो या तो आप अपनी कैब बुक करके आएँ, ऑटो बुक करके आएँ, या अपने पर्सनल व्हीकल से आएँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप वॉक कर सकते। एक चीज़ से दूसरी चीज़, आपको एक जगह दूसरी जगह जाना पड़ेगा, तो अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हैं इसमें, उसके लिए डिस्टेंस काफ़ी है। और ये डिफरेंट टाइप के वेपन्स यहाँ पर, इतनी सारी गन्स, एमजी, कितने हैवी हैवी वेपन्स हैं, जस्ट लुक एट दिस। श्याम मंदिर और ये है मीरा मंदिर। यहाँ पे मीरा बाई को उनकी उनके देवर ने जहर दिया था, जो भगवान की लीला से अमृत में कन्वर्ट हो गया था। ये 13th century में इस पर हमला हुआ, तो मुग़ल एम्परर्स ने इसको तोड़ दिया था। तो बाद में 14th century में जो और किंग्स आए, उन्होंने इसको दोबारा से बनवाया था और अपना नाम ऐड कर दिया। विष्णु भगवान का टेंपल था, अब इसको कुंभ श्याम मंदिर कहते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर है मंदिर, कलाकारियाँ देखो इसकी। सो फोर्ट घुमाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ इस फोर्ट के बारे में, कि ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो है ये एशिया का सबसे बड़ा फोर्ट है। बाकी सारे फोर्ट सब बहुत छोटे हैं इसके सामने, क्योंकि अभी हम इसका मैप देख कर आ रहे थे, ये 700 एकड़ में बना हुआ है। तो इस वाले फोर्ट में 3 जौहर हो चुके हैं, तो जौहर कुंड अभी हम देखने वाले हैं। तो हमें सिर्फ रानी पद्मावती वाले जौहर का पता था, जो 16,000 रानियों के साथ दासियों के साथ किया था उन्होंने। सो गाइज, आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये इतनी सुंदर इमारत खड़ी हुई है, इसे कहते हैं विजय स्तंभ। ये यहाँ के राजा कुंभा ने बनवाया था, जब उन्होंने 2 स्टेट से जीत प्राप्त करी थी, उस सेलिब्रेशन में ये उन्होंने बनवाया था। तो 2 स्टेट्स वो थी गुजरात और मध्य प्रदेश। और इसके अंदर ये 9 मंजिल का है पूरा, और इसके अंदर 157 स्टेयर्स हैं, राउंड एंड राउंड करके ऊपर तक जा सकते हैं, लेकिन अभी क्लोज है। और इसमें आर्किटेक्चरल बहुत सुंदर लग रही है चीज़ें ना, मतलब। और ये उस टाइम पे 90,000 नहीं, 9 लाख बेसिकली, 90 लाख, 90 लाख, हाँ, 90 लाख इसमें लगे थे। उस टाइम पे तो करेंसी उसमें चला करती थी ना, हाँ, सोने चांदी सिक्के, 90 लाख सिक्कों का खर्च आया था, और 10 साल लगे थे इसको बनाने में। बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से, क्या अमेजिंग व्यू आ रहा है। विजय स्तंभ, ब्रह्मा विष्णु महेश का मंदिर, ये गार्डन, यहाँ पे जौहर कुंड भी है जो हम आपको दिखाएंगे। अरे वो देखो कलाकारी, यहाँ पर टोटल ना 3 अटैक्स हुए थे, 13th century में 1 हुआ था, 15th century में 2 हुए थे। और ये सारा सामान जो आप देख रहे हैं ना, ये वही वाली चीज़ें हैं जो उन्होंने तोड़ दी थी, लेकिन फिर इन्होंने यहाँ पर ला के रखी हुई है।
ये भी आप देख रहे होंगे खंडित हैं, आधे मंदिर खंडित हैं, उन मंदिर का टॉप नहीं है। इधर भी बहुत सारे मंदिर आपको खंडित मंदिर दिख रहे होंगे। ये सब जितने भी मंदिर यहाँ पे थे सब मुगल एम्परर्स ने तोड़ दिए थे। इसमें बहुत सारे मंदिर थे यहाँ पर ना। देखो सारे मंदिर तोड़वाए हुए हैं। ये कितना प्यारा है मंदिर, पर इसकी ऊपर चोटी नहीं है और यहाँ से भी पत्थर तोड़वा रखा है। बहुत सारी आर्टिस्टिक चीज़ें हैं। ये देखो ये वाला मंदिर भी टूटा हुआ है, ये वाला मंदिर भी टूटा हुआ है, बहुत सुंदर। और वहाँ पर इस मंदिर के वो पीसेस रखे हुए हैं जो मिले थे। यार ये फोर्ट तो बहुत ही बड़ा है, मतलब 13 किलोमीटर्स मायने रखते हैं। और क्या व्यू आ रहा है यहाँ से पूरी चित्तौड़गढ़ सिटी का। मतलब रानी पद्मावती ने 13 सेंचुरी में 16,000 अपनी लेडीज़ के साथ जौहर किया था यहाँ पर। OMG, ये है पद्मिनी पैलेस जो आप देख पा रहे होंगे, जो मूवी में दिखाया गया था वो यही जगह है जहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी जब आता है तो यही वाला जो किला था, ये पद्मिनी पैलेस पहाड़ के बीच में, और ये पूरा कुंड, और वो सामने जो रूम है वहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने खिड़की से रानी पद्मिनी को पहली बार देखा था, वो हम आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये वो रूम था जहाँ पे वो मिरर्स लगे हुए थे जिसमें अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मिनी को शीशे में देखने के लिए आए थे। ये जो आप बुक्स देख रहे हैं इनमें मिरर्स लगे हुए थे, और इन मिरर्स में सामने आप देख रहे हो तो रानी पद्मिनी का महल है, और वो जो सामने आप स्टेयर्स देख रहे हो रानी वहाँ पे खड़ी हुई थी जब खिलजी ने उनको देखा था। किसी ज़माने में बहुत अमेजिंग होता होगा। अभी ये पूरा खंडित है, आधा टूटा हुआ है। चित्तौड़गढ़ का फोर्ट मैं हमेशा से देखना चाहती थी, क्योंकि मैं कहीं भी जाती थी जयपुर में तो सभी लोग ये बोलते थे मैम आप चित्तौड़गढ़ जरूर जाइए। तो आज मैंने वो देख लिया है एंड सीरियसली आवर हिस्ट्री इज़ ऑसम। मतलब अपनी कंट्री के बारे में चीज़ें पढ़ी तो थी लेकिन देखी अब है, बहुत अच्छा लग रहा है। बट थोड़ा सा ये सब चीज़ें जो हुई हैं उसका नेगेटिव भी है, बट यहाँ कह नहीं सकते, इट्स फाइन। और ये हम आए हैं सनसेट व्यू पॉइंट पे, यहाँ से पूरी सिटी बहुत ही क्लियर नज़र आ रही है और बहुत दूर तक का नज़र आ रहा है इसमें। आई हैव नो वर्ड्स, जस्ट लुक एट द व्यू।
हम लोग टेरेस पे आ चुके हैं एंड हम लोग मून का वेट कर रहे हैं कब आएगा। अब तो भूख भी लग रही है, 8:30 से ऊपर हो गया टाइम। बहुत अच्छा लग रहा है फोर्ट के पीछे। अगर आप लोग देख पा रहे होगे ना तो वो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है जिसके पीछे से आपको चांद निकलता हुआ दिख रहा होगा। इट्स कमिंग आउट। अभी लाइट्स ऑन नहीं है पर मैडम अपनी स्टोरी एंड फोटोज डाल रहे हैं बिजी हैं। इट्स कमिंग आउट। फोर्ट के पीछे से धीरे धीरे निकल रहा है, सब लोग उसी का वेट कर रहे हैं। अभी आई शो यू। प्यारा लग रहा है निकलता। हम सब लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं। भूखे लोगों की शक्ल। नहीं, हमने ऑर्डर पहले ही कर दिया है। हमने कह दिया भैया ऑर्डर लेके तैयार हो जाओ। And it's coming out. चलिए अब हमारा खाना आ गया है ना, अभी हम खाना खा लेते हैं। भूखी भूखी भी लग रही है बहुत ही। मिलते हैं खाने के बाद। हाँ। सो डिनर करने के बाद हमारा थोड़ा सा चाय पीने का मन कर गया था क्योंकि थोड़ी सी हेडेक हो रही थी क्योंकि आज राइड भी कर ली है और फोर्ट भी घूम कर आए और कुछ खाया नहीं था शायद इस वजह से। तो अभी बहुत ही अभी फूड हमने फिनिश कर चुका है दैन। अभी इस ब्लॉग को और लंबा ना करते हुए एक बार एंड करते हैं। तो चलिए गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। स्टे सेफ, स्टे स्टाइलिश। बाय।